कार्तिक पूर्णिमा पर चांदपुर के खादिर क्षेत्र स्थित नारनौर घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। इस अवसर पर विशाल मेले का भी आयोजन किया गया। गत वर्षाए की भांति इस वर्ष भी परंपरागत तरीके से चांदपुर तहसील के ग्राम नारनौर के नाम से प्रसिद्ध गंगा स्नान के मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के मेले में पहुंचकर गंगा स्नान किया तथा पुण्य लाभ अर्जित किया। पिछले एक माह से दो जिलों की सीमा पर गंगा स्नान के मेले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। पहले गंगा का प्रवाह बिजनौर जिले में होता था, परंतु अब गंगा जी 2 किलोमीटर दूर मेरठ जिले में बह रही हैं। गंगा स्नान का मेला बिजनौर जिले का तथा गंगा जी का प्रवाह मेरठ जिले में होने से सीमा विवाद के कारण मेरठ प्रशासन किसी भी स्थिति में मेला लगाने के लिए सहमत नहीं था, परंतु जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल के अथक प्रयास से मेला आयोजित करने की अनुमति मिली। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के अवसर पर नारनौर घाट पर जहां विशाल मेले का आयोजन किया गया, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाकर बीमार श्रद्धालुओं का परीक्षण कर उनको दवाई वितरित की। नारनौर गंगा घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए वाहन फंसने की स्थिति में उन्हें निकालने के लिए 2 ट्रैक्टरों की व्यवस्था की गई थी। अग्निशमन टीम व पुलिस फोर्स सुरक्षा में लगी हुई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने परिवार में दिवंगत की आत्मा शांति के लिए दीपदान भी किए गए। प्रशासन के साथ साथ मेला समिति के आयोजक अजय कुमार कौशिक अपने सहयोगियों के साथ दिन रात व्यवस्था बनाने में लगे रहे। जिलाधिकारी के कुशल निर्देशन में मेले में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादून, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्ज, उप जिलाधिकारी मनोज कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह, प्रभारी निरीक्षक संजय गर्ग ने मेले में पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। मेले में चांदपुर तहसील के थाना शिवाला कलां नूरपुर एवं हीमपुर थाने की फोर्स भी लगाई गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल के साथ पीएसी बल भी तैनात किया गया था। 25 नवंबर को मेले का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख पुत्र कुंतेश देवी के सुपुत्र एवं भाजपा नेता कपिल चौधरी ने नारियल फोड़ कर किया था। 26 नवंबर को गंगा स्नान की पूर्व संध्या पर गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया, जिसके मुख्य यजमान उपजिला अधिकारी मनोज कुमार रहे। सह यजमान पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह, उद्योगपति निरीश गुप्ता उर्फ बिल्लू चौधरी कुलदीप सिंह रहे। सभी ने विधि विधान के साथ गंगा पूजन कर दुग्ध अभिषेक किया तथा गंगा जी की विशाल आरती की। मेले में नरेश गुप्ता उर्फ बिल्लू उद्योगपति, सौरभ राणा, किशोरी सिंह सैनी, सतबीर सिंह पूर्व प्रधान, नेपाल सिंह पूर्व प्रधान, तेजपाल सिंह, सतीश कुमार, यशपाल सिंह, किशोरी सिंह, सोनू सैनी, कृष्णपाल सिंह, सोमपाल ठाकुर, राजपाल सिंह गुर्जर, राकेश गुर्जर, खेम सिंह सैनी चौधरी, कुलदीप सिंह प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन, चौ अशोक सिंह, चरण सिंह, जसवंत सिद्धू तथा एसआर के शिक्षा संस्थान नारनौर के अध्यापक मनोज कुमार, विवेक कुमार, जोगराज सिंह, विपिन कुमार, विनोद कुमार, आसिफ खान अभी व्यवस्था में रहे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अजय कुमार कौशिक ने गंगा स्नान पर्व सकुशल संपन्न होने पर बिजनौर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। नीरीश कुमार गुप्ता और बिल्लू गुप्ता, मैं यहाँ पे मेरा पेट्रोल पंप और बैंकेट हॉल वगैरह जलीलपुर के अंदर है। ये हमारा बहुत पुराना पारंपरिक मेला था नारनौर का, जो कि यहाँ से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के अथक प्रयासों से हमें उसकी अनुमति मिली और यहाँ पर मेला सैकुशल संपन्न हुआ। सैकुशल संपन्न ही नहीं, कोई घटना किसी तरीके की, कोई भी वाद विवाद किसी तरीके का नहीं हुआ। बहुत सुंदर रूप से, सुचारू रूप से हमारे अजय कौशिक जी के अध्यक्षता के अंदर ये मेला संपन्न हुआ है। हम प्रशासन के, जिलाधिकारी महोदय के और अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के बहुत आभारी। अजय कुमार कौशिक, आयोजक, कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला समिति नानौर घाट। बिजनौर जनपद की पहचान रखने वाला, परंपरागत तरीके से मनाए जाने वाला नानौर घाट के नाम से मेला इस वर्ष बिजनौर जिले के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल जी के अथक प्रयास से ही आयोजित हुआ है, क्योंकि दो जिलों की सीमा के कारण इस वर्ष मेला आयोजन को लेकर संकट के बादल छाए हुए थे। मेला जिला बिजनौर का है। गंगा जी पूरी तरह से
मेरठ जिले में प्रवाहित हो रही है, इसलिए मेरठ जिला प्रशासन इस मेले की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था। हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय ने हमारे श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान रखते हुए परंपरागत तरीके से मनाए जाने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला नारनौर घाट पर ही आयोजित हो, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने जिलाधिकारी मेरठ से वार्ता करके इस मेले का आयोजन कराया। हम आयोजन समिति की ओर से अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उनके कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेले के लिए पर्याप्त तो पुलिस बल देकर के इस मेले को सकुशल संपन्न कराया है। उप जिलाधिकारी चांदपुर श्रीमान मनोज कुमार जी, पुलिस क्षेत्राधिकारी चांदपुर श्रीमान सर्वम सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें थानाध्यक्ष चांदपुर श्रीमान संजय गर्ग जी पूरी फोर्स के साथ लगातार दो दिन तक मेला स्थल पर रहे। मेला सकुशल संपन्न हुआ, किसी प्रकार की कोई घटना मेले में नहीं हुई, इसके लिए पूरे जिले प्रशासन का हम आयोजन समिति की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।